थाना क्षेत्र की अपराध शाखा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक कैंटर जो हरियाणा से अवैध शराब भरकर यूपी में जा रहा था, पुलिस ने सूचना के आधार पर नाकाबंदी की और इसको पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि इस कंटेनर में 435 पेटियां इंग्लिश शराब की भरी हुई थी। पुलिस जांच अधिकारी ओम प्रकाश ने बताया कि उनको मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक कैंटर में अवैध शराब भरी है, ये हरियाणा से अवैध शराब भरकर यूपी में ले जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम गठित करके मौके पर पहुंची और गांव तुमसरा के पास नेशनल हाईवे 19 पर सड़क किनारे एक बंद बॉडी के कैंटर खड़ा हुआ था, जिसका चालक मौके से फरार था। उन्होंने साथ ही बताया कि जब कैंटर को कब्जे में लिया गया तो इसकी जांच की गई तो उसके अंदर 435 पेटी अंग्रेजी शराब भरी हुई थी। पुलिस ने शराब और कैंटर को कब्जे में लेकर मामले की सूचना आबकारी विभाग के अधिकारियों को दे दी है और पुलिस ने बरामद की गई शराब और वाहन को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश जारी कर दी है। इस कैंटर में मुख और खास की सूचना से हमने तुमसरा मोड़ NH2 पर खड़ी हुई थी और जो चालक था वो अंधेरा खड़ा था, भाग गया था। तलाश जारी है उसकी और इसमें एम्परम ब्लू की 445 पेटियां मिली हैं और जिनको हमने कब्जा में लिया है। ये सभी इंग्लिश शराब है? सारी इंग्लिश शराब है।